चांदनी चौक पे सूरज क्यों निकलता है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे तो लगता है ये बुआ के डर से रोज निकलता है। भाभी ईशान का नाश्ता रेडी कर दो। ईशान जल्दी उठ जाओ। ईशान चलो जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग। आप तैयार भी हो गए? जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नाश्ते की टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। काश होती मेरी बुआ जिससे बाल पुआ सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी मिट्टी। ईशान नाने तो जा रहा हूं। भाभी चाय बना रही हूँ या सो रही हो? नहीं नहीं मैं तो सोच रही थी। क्या? मैं सोच रही थी आज हलवा बना दूं। अच्छा महीने के आखिरी दिन बनिए का बिल कैसे बढ़ाया जाए ये सोचिए, या फिर कोई और वजह? इंदिरा वो आज आधा लीटर दूध ज्यादा ले ले। क्यों? वो दरअसल कल रात को दूध बचा था जो आज की चाय के लिए काफी था, लेकिन रात को ना मेरे को बड़ी बुरी एसिडिटी होगी तो मैंने एक ग्लास ठंडा दूध पी लिया, बस थोड़ा सा बचा है सिर्फ इस शान के लिए। एसिडिटी ज्यादा खाने से होती है और उसे दूर करने के लिए ज्यादा दूध पी लो, ये कहाँ की समझदारी है? और आपको पता है ना कि जितनी मेरी कमाई है इससे पूरी। ईशान ये जो बदन पे चर्बी चढ़ती जा रही है ना ये कल जाकर बीमारियों का घर बनने वाला है, उसके बाद दवाइयों का खर्चा अलग से। ये बटर मैं तक नहीं खाती, ये सिर्फ ईशान के लिए, समझी आप? मैं पराठे बनाने जा रही हूँ आलू के, सबके लिए। ईशान बिल्कुल हिटलर, हर वक्त सभी को अटेंशन पे रहना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बाल बाल मम्मी ठीक कर देगी। गुड, जाओ जाकर नाश्ते की टेबल पे बैठो। मंदिरा मंदिरा एक ही घर की सुबह सुबह इस घर में सभी को हिटलर की डांट पड़ती है। मंदिरा मंदिरा वो शायद छत पे गई है नहाने के लिए तौलिया लेने या सुखाने, पता नहीं। नहीं नहीं सीपी के पास नहीं, सीपी के पास दीदी का ऑफिस है, झीक के मैं मिलते हैं। ओके ये ठीक है। डन। अभी तक तैयार नहीं हुई तू? बस तौलिया सुखाने जा रही थी। तौलिया क्या फूक मार के सुखा रही थी? एग्जाम है ना तेरा? हाँ जा रही हूँ। जब देखो जब मेरे पीछे पड़ी रहती है। दीदी ऐसे किसी का फोन चेक करना सही बात नहीं है। रात के 3 बजे तक तू फोन पे थी और सुबह उठते शुरू हो गई, वो सही है। एक बात याद रखना, इस महीने ना तुझे रिचार्ज के 1 भी पैसे नहीं मिलने वाले एग्जाम खत्म होने तक। ये तो दादागिरी है।
चिल्लाना बंद कर। ये मत भूल कि ये मोबाइल मेरा ही दिया हुआ है और इसे मैं कभी भी वापस ले सकती हूँ। जल्दी तैयार हो और एग्जाम देने जा। हाँ, सभी कुछ आपका है, पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। ईशा, कितनी बार मना किया है, सादा दूध नहीं पीना। ये ले दूध पी। अरे दूध मैं बना देती, पराठे लाई हूँ और लेके आती हूँ। माँ कहाँ है भाभी? माँ कहाँ है? वो पूजा कर रही है, मैं पराठे बना रही हूँ, बना रही हूँ। पता नहीं घंटे घंटे पर पूजा करके इनको मिलता क्या है। एक दिन इस घर को चलाकर दिखा दे इनका भगवान, तो मैं जानू। बुआ को दादी के पूजा से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि वो पूजा कब दादी की तस्वीर ज्यादा दिखती है और रोते रहती है। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। इंदु, इंदु बेटा, अब क्या है माँ? एक मिनट बेटा, ये चिट्ठी आई थी, कल शाम को आई, बताना भूल गई थी। बारह हजार ये आपने कल क्यों नहीं दिया? कहा ना, भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई आप? मतलब दिमाग में आपके क्या भार पड़ा हुआ रहता है जो हर बात भूल जाती है? एक आदमी का फोटो लेकर आप दिन भर देखती रहती है और कोई काम बचा नहीं है आपके पास। ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में? चिट्ठी नहीं है ये, नोटिस है। नोटिस म्युनिसिपैलिटी का, 12,000 भरने, नहीं तो परसों तक पानी का कनेक्शन कट जाएगा। 12,000? 12,000 किस बात के? कनेक्शन का, जो 10 साल पहले भरना था आपके पति को। हाँ तो इन्हें अब याद आ रहा है? माँ याद आ गया तो उन्होंने भेज दिया, मैं क्या करूं इसमें? इंदु बेटा, तू कहे तो ये चिट्ठी उन्हें। खबरदार माँ, उस आदमी का इस घर से कोई लेना देना नहीं है, समझ गई आप? अरे कैसी बात करती है तू, पिता है वो तेरे। कौन से पिता? अगर वो हमारे पिता होते ना तो हमें छोड़कर नहीं जाते, इस घर को छोड़कर नहीं जाते। अगर आपको पति मानना उन्हें तो आप मानती रहिए, लेकिन एक बात साफ है कि मैं उन्हें। बुला लो ना पूरे मोहल्ले को, वो भी देख लेंगे क्या तमाशा चल रहा है यहाँ। इंदु। कोई नहीं मम्मी जी, मैंने आलू के पराठे बनाए, आप ये रख के आ जाइए खा लीजिए। ईशान आया बुआ। बाल मम्मी बनाने वाली थी ना? ले तेरे बस्ता, सारी किताबें रख दी हैं। रख क्या दिए, ठूस दिए होंगे और क्या। होमवर्क चेक किया इसका? वो तो तूने करा दिया होगा ना। मैंने किया, लेकिन ये आपका फर्ज है। आपको नहीं लगता कि इसका होमवर्क चेक करना या करना आपका फर्ज है, मेरा नहीं? और वैसे भी अपने बेटे के लिए किया ही क्या आपने, सिर्फ पति की चिंता रहती है बस। खाना बनाओ और खाना खाओ, यही काम रह गया है। ऐसा लगता है कि बेटा पैदा किया सिर्फ मेरे पालने पोसने के लिए। चल। जूते की लेस तो बांध देती? मैं बांध देती हूँ। नहीं नहीं आप रोलो आराम से, मैं बांध देती हूँ। सबके नाटक देखते रहो यहाँ पर, आज ये रो रहा है तो कल वो रोएगा।
मुझे पता है बुआ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी जब वो माँ से ऐसे बात करती है तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पापा भी इसलिए बुआ के सामने आते ही नहीं है, वो नाइट ड्यूटी करते हैं। सुबह और निकला हीरो। ये चांदनी चौक में सवेरे इतनी जल्दी कैसे हो जाती है यार, तुमने वफा जो की तो। ओ राजू, अरे तुमने वफा जो की तो। बस कर बस कर, अब घर जा। अभी तो हिटलर घर पे होगी या अब चली गई होगी, अब घर जाना चाहिए। तो हम भी वफा करें। अरे सवेरे सवेरे मूंगफली बेच रहा है, कौन खरीदेगा, शाम का सामान है ये। राव, हाँ जी भैया, पतंग के व्यापारी। हाँ जी भैया जी। किसकी परमिशन लगा रखी है घर के बाहर पतंग है? मेरा घर है ये। गलती होगी भैया जी। चल 10 रुपए निकाल। 10 रुपए तो नहीं है भैया जी। नहीं है? नहीं है भैया जी। तो एक काम कर, अपनी पतंगों के साथ हवा हो जा, बिना डोर के उड़ा दूंगा। चल तुमने। पापा की तबीयत रंग हो गई। क्या बात है भाई साहब, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। वो घड़ी, घड़ी नहीं है ना, तो टाइमिंग गलत हो गई। क्यों? वैसे भाई साहब घड़ी तो आपने ही बेची थी ना, पिछला जुआ का उधार चुकाने के लिए। हाँ बेची थी, मैंने बेची थी, लेकिन उस दिन मेरा हाथ लग गया था ना भाई गॉड, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों? आज मुझे कहने सुनाने का मौका भी नहीं मिलता, शायद आज मैं दफ्तर के लिए निकल भी नहीं रही होती। आप तो मेरी नौकरी कब की छुड़वा चुके होते और ये घर संभाल रहे होते, लेकिन कब तक? जब तक अगले जुए में आपकी बाजी लगे तब तक। इंदिरा देखना, तू ज्यादा ना सुना मत मेरे को, समझी हैं? माँ बता दे इसको, किसकी किस्मत कब पलटी खा जाना, किसी को पता नहीं होता भाई गॉड। बिल्कुल सही सही बोला आपने, किसे पता था कि एक दिन इंदर शर्मा अपने घर परिवार को छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगे। किसे पता था कि इंदर शर्मा का बड़ा बेटा इतना निकम्मा निकलेगा और अपनी बाप की जगह भी नहीं ले पाएगा। किसे पता था कि इंदर शर्मा की बेटी इस घर से बाहर निकलकर नौकरी करेगी, इस घर को चलाएगी। किसी को भी नहीं पता था भाई साहब, लेकिन भाई साहब ये हो रहा है और होता रहेगा, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगी और आपको सुनना पड़ेगा। माँ आज नाश्ता नहीं करूंगा, मैं सोने जा रहा हूं। दीदी कौन है? दीदी गुड मॉर्निंग। क्या देख क्या रही हो? पूजा करो अपनी फोटो की। क्या हुआ? जी, कोई नहीं, बाद में आ जाऊंगा। पार्टी लाया था वो ऊपर वाली बरसाती के लिए। आओ जी आओ। ये इलाहाबाद वो क्या है, हमें किराया रख ला है ऊपर बरसाती में, तो हर बारे दादी भी आदू चल पार्टी लाते हैं और फिर बुआ उनकी क्लास लेती है और ले फेल कर देती है। जी ये चौधरी जी है, आजाद मार्केट वाली सब्जी मंडी में इनकी दुकान है। राम राम जी। ये तो पक्का फेल है। घर किसके लिए चाहिए? रहने के लिए चाहिए जी। कौन रहेगा? हम रहेंगे जी। हम मतलब? मैं और मेरी वाइफ जी। मैरिज सर्टिफिकेट है? जी। शादी की सर्टिफिकेट? देखो जी मंदिर में शादी की है मैंने, पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, हमारे लिए तो यही सर्टिफिकेट है। आप कह रहे हो तो बनवा लेंगे। हाँ भाई बनवा सके है जी, मारी कोई मैथमेटिक्स ना है पर साले से कह के जुगाड़ कर सकूं। लो जी हो गया सर्टिफिकेट का भी जुगाड़। लड़की भगा कर शादी की है? ना जी ना, दोनों इकट्ठे भागे हैं जी। हाँ।
दीदी जी। दी टेंशन वाली बात ना है, राधे की गारंटी है। तेरी खुद की गारंटी है क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे जुगाड़ू पार्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, तुझे एक बात समझ में नहीं आती? देखो बहन जी, बहन जी होगी तुम्हारा ये। देखिए भाई साहब, मैं एक ही बहन होकर तर गई, प्लीज अपना रास्ता ना। आओ जी आओ, चलो। पापा उठो ना, पापा उठो, उठो। क्या है बे? वो जादू दिखा वाला। ओ, बोतल वाला। हाँ, वो बोतल वाला। जा बक्के माथे से लेके आ जा। ये लो। अबे टिंडे, तैयारी में रहता है बेटा हमेशा। कैसे करते हो आप? बेटा वही तो जादू है। निशान तेरी, अब जल्दी से भाग जा इससे पहले गेटल आ जाए और मेरी नींद आराम हो जाए। जा पापा, दूसरा जादू। एक मिनट, पत्नी कौन देगा? बाय। कमाल की बहन है मेरी। शान आया बुआ। देख लिया जादू, तेरे पापा को यही आता है, खाली बोतल में दिया जलाना। चल बुआ को चॉकलेट के बारे में नहीं पता है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन बुआ का कहना है कि उसे दांत खराब होते हैं। मुझे पता है जो चीज बुआ के बजट में रहती वो चीज खराब नहीं होती है। जल्दी चलो ईशान, सीधे ऐसे चलो ना। क्या हुआ? कितनी बार मैंने कहा है कि उस गली में नहीं जाना है, याद है ना? मैंने अपने सारे जासूस वहां बिठा कर रखे हैं, और अगर मेरे पीछे तू उस गली में गया ना तो देख लेना। गई रही बुआ, मैं तो इसलिए कह रहा था, स्कूल के लिए देरी हो रही है, अगर हम लॉन्ग कट वाले रास्ते से गए तो और लेट हो जाएगी, इससे अच्छे शॉर्टकट वाले रास्ते से जाते हैं ना। शान प्लीज बकबक बंद करो। वो जो दुकान थी ना जिसके बाहर सारी पल के पुतला खड़ा है, वो मेरे दादाजी की है, हमें वहाँ जाना अलाउ नहीं है, बुआ का ऑर्डर है। एक बार दादाजी ने मुझे चॉकलेट लेने के लिए बुलाया, मैं गया, लेकिन बुआ को कैसे पता चल गया? पता नहीं बुआ के जासूस कहाँ बैठे हैं। पता है ईशान, तेरे अमेरिका में पढ़ने वाले विदित चाचू और मैं जब छोटे थे ना तो यहाँ की मशहूर कुल्फी खाया करते थे। चल। पता है, हर बार ये बात बताती है मुझे बुआ, लेकिन मुझे कभी नहीं खिलाती। अरे टिडू, देख जरा मेरा डोला। अरे ये तो रोज देखता हूँ, सामने देख क्या चीज आ रही है। अबे गलत जगह रॉकेट फेंक रहा है तू। मैं तो फेंकूंगा भाई। अबे पड़ेगी देख। मजा आ गया। वो
वैसे पंगा लेना आसान नहीं, नामुमकिन है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, तो मैं ये सोच रहा था वो पहलवान ने आपको लाइन मारने की कोशिश की थी, अब मेरा मतलब है वो आपको ऐसे ऐसे देख रहा था ना, तो आपने उसके पैर पे जोर से डबल मार दिया था। मैंने उसी वक्त एक गाना सोच लिया था, डबल बेल डबल बेल डबल ऑलवेज सॉरी। वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, मेरी बुआ को कभी हंसते हुए नहीं देखा। मैं जानती हूँ ईशान को बड़ा अजीब लगता है, उसने बुआ को हंसते हुए कभी नहीं देखा। मैं भी भूल गई कि आखिरी बार मैं कब हंसी थी, शायद तब जब पापा गोद से ऊपर उछाल कर पकड़ लिया करते थे। अरे पकड़ो, अरे इंद्रा को पकड़ो, अरे अरे भागेगी इंद्रा, मैं पकड़ लूंगा पकड़ लूंगा, अरे पकड़ लिया पकड़ लिया। लेकिन अब हंसने को है ही क्या मेरे जीवन में, पापा ने तो कब का गोद से गिरा दिया। अब हर महीने यही एक कहानी है, हिसाब किताब में उलझी, कौन सा खर्चा कहाँ बचाऊं, किसकी जरूरतों को कैसे फिट करूं, 20,350 रुपए की आमदनी में 6 लोगों का परिवार चलाना मजाक ही लगता है, पर इस पर हंसा नहीं जा सकता। और हाँ, मैं रोने वालों में से भी नहीं हूं। दिल्ली में कई साल बारिश नहीं हुई, पर जब हुई तो इतनी हुई कि जमुना नदी में बाढ़ आ गई। बस यही समझिए, एक दिन मैं भी हंसूंगी और इतना हंसूंगी कि सारी दिल्ली को अपनी हंसी में डुबो दूंगी। अगर सवेरे राधे सही किराएदार लाता तो काम बन जाता।
मलिका है दिल्ली, मारना ही था तो दिल फेंक कर मारती। नौ बजने में 5 मिनट, ऑफिस आधा किलोमीटर दूर है। चल इंद्रा शुरू हो जा। पांडे जी रजिस्टर लेके आओ जल्दी। जी। कल के जितने भी वाउचर्स है ना उसे फाइल में कलेक्ट करके लेके आओ। और जो फाइल भी नहीं नहीं दीदी आप सही है, घड़ी स्लो है। देखा ऑफिस में लेट पहुंचना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। पिछले 3 साल में मैं यहाँ बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जीतते आ रही हूँ, लेकिन साल के अंत में 2500 रुपए का बोनस मिलता है इस प्राइस के लिए। आज तनख्वाह तो मिल जाएगी, उसमें से 12,000 नगर पालिका को भी पूछ दूंगी, लेकिन ये 12,000 का खर्चा इस महीने के बाकी खर्चों पे बहुत भारी पड़ेगा। अगर सवेरे राधे सही किराएदार लाता तो काम बन जाता। दिल्ली, दाग की दिल्ली, जफर की दिल्ली, मंसूर की दिल्ली, गालिब की दिल्ली, मुझे अपना ले, मालिक न सही किराएदारी बना ले।